हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि इफ एंड एल्स स्टेटमेंट का यूज कैसे करते हैं पाइथन में। एक कंडीशनल स्टेटमेंट होती है दोनों, और एक कंडीशनल स्टेटमेंट होती है एंड करके, पर उसका हम बाद में वीडियो बनाएंगे। इसमें हम देखने वाले कि कंडीशनल मतलब क्या। तो कंडीशनल मतलब हम यूजर से इनपुट पूछेंगे, फिर यूजर हमें वो इनपुट देगा, फिर यूजर अलग अलग इनपुट दे सकता है। तो फिर उस अलग अलग इनपुट को अलग अलग एक्शन कैसे एसोसिएट करने हैं, वो इफ एंड एल्स स्टेटमेंट से हम कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो अभी समझो कि हम लोग एक वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें एज रिस्ट्रिक्शन लगाना है हमको। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, पहले एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम होगा एज, कुछ भी वेरिएबल का को नाम दे सकते हो। फिर यूजर से इनपुट लेंगे, तो फिर बाद में इसको लिखेंगे कि व्हाट इज योर एज, वो बताओ। एज, व्हाट इज योर एज, अभी अब हमने पूछ लिया यूजर से कि व्हाट इज योर एज। तो अब हम दूसरा वेरिएबल बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे लिमिट। फिर मतलब आप कुछ भी वेरिएबल रख सकते हैं इसलिए। और बाद में इसमें हमें क्या करना है कि अभी इधर ये है एज की हम इनपुट लेंगे, तो उधर वो इनपुट स्ट्रिंग में आएगी, तो हमें वो स्ट्रिंग का इंटीजर में कन्वर्जन करना है। तो इधर रखेंगे इंट और फिर एंटर दबाएंगे तो ये इंटीजर में कन्वर्जन हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट में एज डाल देंगे, फिर अब ये जब लिमिट हम लेंगे तब ये इंटीजर में आएगा नंबर। तो अब लिखेंगे इफ स्टेटमेंट, तो इफ लिखेंगे, बाद में आगे लिखेंगे कि लिमिट इज लेस देन, ये लेस देन की साइन है 18। अब 18 भी इंटीजर है और हमने जो इधर लिमिट एज का वेरिएबल कन्वर्ट किया है इंटीजर में, वो भी इंटीजर है, तो अब ये कंपेयर हो सकता है। स्ट्रिंग और वेरिएबल कंपेयर नहीं हो सकते, इसलिए हमें इंटीजर में स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना पड़ा। तो अब हम इधर लिखेंगे फिर कोलन डालेंगे, तो बाद में एंटर दबाएंगे। तो अब इधर हमें कंडीशन के बाद क्या करना है लिखना है, तो अब इधर लिखेंगे प्रिंट कि अगर लिमिट से कम हुआ एज तो क्या क्या हमने से डिस्प्ले कर रहे हैं। तो उधर लिखेंगे कि यू आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस वेबसाइट, और फिर अब हमें एल्स की स्टेटमेंट लिखनी है, क्योंकि अगर 18 से ऊपर होगा तो क्या मैसेज डिस्प्ले करते हैं। तो नीचे जाएंगे और एल्स स्टेटमेंट लिखेंगे। एल्स मतलब एक इफ स्टेटमेंट जब फुलफिल नहीं हो रही होगी तो क्या करना है वो एल्स में लिखेंगे। तो फिर लिखेंगे प्रिंट और इधर लिखेंगे वेलकम टू द वेबसाइट, वेलकम टू आवर वेबसाइट। अब इसको रन करके देखते हैं, अगर आपको कोई एरर आया तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और इसको अब अभी हम पहले कम एज डालते देंगे, तो इधर मैसेज आ गया कि यू आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस साइट। अब फिर से रन करके देखेंगे, अब 18 डाल के देखेंगे क्योंकि ये लेस देन है तो 18 भी काम करना चाहिए। तो देखो 18 भी काम कर गया, वेलकम टू आवर वेबसाइट। और 18 के ऊपर का भी डाल के देखेंगे, ये डाला 32 और इसमें भी आया वेलकम टू अवर वेबसाइट। तो आज का वीडियो इधर ही खत्म करते हैं।